गेल्या काही वर्षांमध्ये मुंबई भाजप किंवा मुंबई आणि महाराष्ट्राच्या राजकारणामध्ये मोहित कंबोज म्हणजे वादाचं दुसरं नाव झालेलं आहे संजय राऊत यांनी त्यांच्याबद्दलचा एक व्हिडिओ ट्विट केला आणि संपूर्णपणे मोहित कंबोज या भाजप नेत्याच्या चारित्र्यावरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित झालं तेच आत्ता आपल्या बरोबर आहेत वास्तविकता काय आहे आणि नेमकं काय होतंय महाराष्ट्राच्या राजकारणात हे आपण त्यांच्याकडून समजून घेणार आहोत मोहितजी सगळ्यात आधी आपलं स्वागत या विशेषमध्ये मला एक सांगा की ज्या पद्धतीचे आरोप तुमच्यावर करण्यात आलेले आहेत तुम्ही एका खार मधल्या पंचतारांकित पबमध्ये महिलां मित्रांबरोबर किंवा मैत्रिणींबरोबर नशापाणी करत असल्याचा आरोप संजय राऊतांनी केला त्यानंतर तुम्ही पत्रकार परिषद घेतली आणि म्हणजे हे नेमकं काय आता कुठल्या टप्प्यापर्यंत जाणार सगळं देखील असं आहे की बिना कोई तथ्य के आरोप लगाना संजय राउत का चरित्र बन चुका है और जेल से आने के बाद अपना मानसिक संतुलन वो खो चुका है मैं बहुत कोशिश करता हूँ कि संजय राउत को या ऐसे नेताओं को जवाब नहीं देने का लेकिन जब बात चरित्र के और परिवार के ऊपर आ जाए तो झूठे नरेटिव को तोड़ने की बहुत आवश्यकता होती है शनिवार को मेरी गलती है दो बजे मैं टाउन से निकला तो रास्ते में, में मेरे एक दोस्त का जन्मदिन था तो एक रेडियो बार करके फैमिली रेस्टोरेंट है मैं और मेरी धर्म पत्नी वहां पर उसको विश करने के लिए गए पे इन्होंने पहले से या तो मेरे पीछे करे थे कुछ लड़कों का ट्रैप था जो एक मुंबई पुलिस के आला अधिकारियों का बोलना है घुसा मैं मेरी वाइफ के साथ बैठा ही था तब तक तो वहां पर उन्होंने हल्ला बोल दिया तुरंत मेरी सिक्योरिटी और बाकी की पुलिस वहां पर पांच मिनट के अंदर पहुंचे और वो लोग फिर वहां से तुरंत भागना चालू हो गए वहां से भागे निकल कर भागे तो मेरा एक ही प्रश्न है कि उन्होंने एक घंटे बाद वीडियो बनाया वीडियो बनाकर उन्होंने संजय राउत को दिया संजय राउत ने ट्वीट किया एक पत्रक लिखा संजय राउत के पास ही ये वीडियो क्यों जाता है और संजय राउत ही क्यों पत्रक लिखते हैं उसमें मैंने पुलिस वालों को धक्का दिया कॉलर पकड़ा मैं महिलाओं के साथ डांस बार था प्रोस्टिट्यूशन अड्डा था ड्रग्स था क्या 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 क्या, क्या, क्या आरोप लगाए भैया अगर इतने आरोप लगाए तो वो आरोप का कुछ तो प्रूफ होगा ना वीडियो होना चाहिए ऑडियो होना चाहिए वो जगह का क्लिपिंग होनी चाहिए कुछ तो होना चाहिए कि सीधा आप आपका मेरे ऊपर उस समय फिजिकल अटैक करने का प्लान था ये पहले भी कर चुके हैं लेकिन उसको नरेटिव को कैसे बदल सकते हैं तो जिस हिसाब से वो काम ले करके अंदर आया साथ में एक मोहिंद शेख की गाड़ी थी जिसके अंदर लड़के थे किसी ने एक रिवॉल्वर भी लगाया हुआ था तो ये लोग घाटकों पर चेंबूर के लोग बैंड्रा में क्या कर रहे थे और मेरे अंदर जाते ही फिर तुरंत अंदर क्यों आए ठीक है दो बजे डेढ़ बजे तक की रेस्टोरेंट की परमिशन थी तो रेस्टोरेंट वाले की गलती है कि उसने खोल के रखा तो मैं वहां पे गया मेरे को अपने दोस्त को बर्थडे विश करना था उसके अंदर जिस तरह का ये नेरेटिव बनाकर ये सेट करने की कोशिश की कि इस इनके असली इंटेंशन क्या थे वो सामने नहीं आ जाए और इनके फेक स्टोरी बिक जाए तो मेरे को पहले परवाही थी तो मैंने मुंबई पुलिस को कंप्लेन कर दी थी लेकिन जिस हिसाब से आज कुछ अखबार में ऐसी स्टोरी हुई तो मुझे लगा मेरी चुपकी चुप रहना ठीक नहीं रहेगा और मुझे आके बोलना चाहिए कि बहुत हो गया झूठे झूठे नरेटिव झूठी झूठी स्टोरी मैं मेरी धर्म पत्नी के साथ गया हूँ मेरी पत्नी बोली मैं उसके साथ हूँ वीडियो में दिख रहा है मेरी पत्नी है और ये बोलते महिलाएं हैं टेबल पे दिख रहा है उसके अंदर कि कुछ भी मैं बैठा हूं वो सिर्फ बोलते मैं दारू पी रहा हूं और कर रहा डान्स तो इस तरह के झूठे चरित्र हरण एक महाविकास आघाडी ये जो, जो हरकतें की बिलकुल सही नहीं है मुझे ऐसा असं है कि इनको अपना मानसिक संतुलन का इलाज चाहिए पण तुम्ही स्वतः मुंबईतले एक यशस्वी उद्योगपती आहात बुलियन मार्केट असेल रेस्टॉरंट असेल कन्स्ट्रक्शन असेल या सगळ्या ठिकाणच्या व्यवसायात तुम्ही काम करत असताना एका इंग्रजी दैनिकाने इतक्या मोठ्या स्वरूपात तुमच्या विरोधातली बातमी छापलेली आहे घड़व देखिए ये तीन साल से मेरे पीछे पड़े हुए हैं आप समझिए आप पूरा स्टोरी देखिए कहाँ से कहाँ तक पॉलिटिकल इनको मेरे को घेरने का झूठे केसेस करने का कहीं ना कहीं मुझे फंसाने का मेरा घर तोड़ने का व्यवसाय इस पिछली सरकार ने सब प्रयत्न किया आर्यन खान की स्टोरी आपको पता है क्या हुआ झूठी निकली ड्रग केस झूठा निकला मेरे पे जो केसेस किए दबाव में कैसे पुराने सीपी संजय पांडे ने किए दूध का दूध पानी का पानी हो गया मेरा धंधा व्यवसाय बंद कराने का क्या क्या आरोप लगाया संजय राउत ने में बारह हजार करोड़ रुपए की लैंड बताई थी सब झूठे निकले तो ये जब सरकार थे तो मैन पावर मनी पावर मनीस्टर पावर, मनी पावर मसल पावर के साथ मुझे दबाते थे अभी ये झूठे नरेटिव और स्टोरी लेके आए हैं तो मेरा ऐसा मानना है कितनी बार की खाओगे आप मेरे से हर बार हार रहे हो कभी भी जीत नहीं क्योंकि आपके आरोपों में तथ्य नहीं है फ्रस्ट्रेशन है फ्रस्ट्रेशन कब तक तो झूठे झूठी बातें कब तक तो टिकेंगी कहीं ना कहीं टूटती है तो वैसे ही ये जितनी बार झूठे लेके आएंगे खुद ही की खाएंगे और खुद ही गिरेंगे लेकिन मोहित भाई एक बात बताओ कि ये आप एक भाजपा के युवा नेता है संजय राउत एक बुजुर्ग नेता है ज्येष्ठ नेता है महाराष्ट्र के राजनीति के आप दो नेताओं के झगड़े में इनोसेंट परिवार के सदस्य रगड़े जा रहे हैं आज देखिए आपके पत्नी के ऊपर आरोप लगे आ, उनके बारे में कुछ गलत लिखा गया आज आपने एक बड़े नेता के सुपूत के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में बात की तो इसके कारण ये घर के जो सदस्य है वो रगड़े जा रहे हैं इसको आप कैसे देखते हैं? बहुत गलत है मैं इसके बिल्कुल खिलाफ हूँ मेरा वही मानना है कि कहीं ना कहीं संजय राउत की जवान पर लगाम लगाने की जरूरत है ये कौन लगाएगा माननीय शरद पवार साहब और उद्धव ठाकरे वो दोनों को इसकी जगह पे लगाम लगाना चाहिए अगर वो दूसरों के ऊपर आएगा तो हम इतने कमजोर भी नहीं है ना कि भाग जाएंगे हमको अपनी रक्षा करना आता है श्री राम प्रभु को मानने वाले हम लोग हैं महादेव को मानने वाले लोग हैं हम लोगों को अगर हमारे ऊपर अन्याय हो रहा है तो उसके लिए लड़ेंगे कितने भी ताकतवर आदमी हो लड़ेंगे और लड़के अपना भी पक्ष रखेंगे हार और जीत तो समय बताएगा पहले भी लड़े अगर अभी भी लड़ना पड़ेगा तो अभी भी लड़ेंगे आज तुम्ही एका पत्रकार परिषद घेतली त्याच्या आधी तुमच्या पत्नीने पत्रकारांशी संवाद साधला आणि तुम्ही एक गोष्ट समोर आणली ती म्हणजे एक बिल जे आहे एका रेस्टॉरंटचं ते तुम्ही सादर केलेलं आहे आणि एक व्हिडिओ क्लिप सादर केली आहे त्यातला नेता हा तुमच्या या दोन नेत्यांच्या भांडणामध्ये राजकारणामध्ये पदार्पण करण्याच्या आधीच वादात आला देखिए कोण आहे तो नेता आपका प्रश्न बहुत जायज आहे मेरा मानना है कि तुमको आरोप मुझ पे लगाने चाहिए थे तुमने वो लड़कियां बोल के बार बोले क्यों मेरे पत्नी तक और मेरे बच्चों तक आए तुमने आर्यन खान का केस था तब मेरे परिवार तक साले तक गए घर तोड़ने के बाद मेरी बीवी बच्चे बूढ़े माँ बाप रहे तब आप मेरे तक आए तो अभी जब तुम्हारा बाप मुख्यमंत्री था और बाप तुम्हारा तुम्हारा भाई वहां का आमदार है वहां पे धमकी देकर कोविड में 10 बजे तक रेस्टोरेंट बंद होता है 11 बजे तक खुलवा के रखना और इतनी दारू पीना और बिल मांगा जाए तो बाप के नाम से धमकाना अभी तुमको आईना दिखाया तो बुरा लगता है दूसरों को तुम्हारी तुम तो चेतावनी दे रहे हो तब तो कोविड था चलिए हमसे तो गलती हो गई आपने तो धमका के खुलवाया और पैसे भी नहीं दिए तो ऐसा क्या है ऐसे बिगड़े हुए औलादे बड़े बाप की जितनी है सबके राज मेरे पास है मेरी भी लाइब्रेरी के अंदर इनके सबके वीडियो अच्छे खासे हैं लिपस्टिक पाउडर वाले भी वीडियो आते हैं मेरे पास किस किस के हैं तो मेरे को छेड़ोगे तो छोड़ूंगा नहीं मेरा ऐसा मानना है कि अपने काम से काम का मतलब रखे संजय राउत अगर तुम प्रयास करोगे मेरे तक आने का तो मेरे पास हर वो चीज है कि जवाब देना तुमको तुम्हारी भाषा में तुम झूठे नरेटिव सेट करोगे तोड़ना भी आता है और तुमको तुम्हारा आईना भी दिखाना आता है मैं ना झूठे वीडियो दिखाता हूं मैं झूठे पत्रक लिखता हूं। मैं जो बात करता हूं, वो प्रूफ के साथ करता हूँ ऑथेंटिक प्रूफ के साथ करता हूँ और आज तक मेरा कोई भी आरोप कोई भी दावा झूठा नहीं गया मोहितजी मला एक सांगा की देवेंद्र फडणवीस यांचे निकटवर्तीय म्हणून तुमच्याकडे महाराष्ट्राच्या राजकारणात पाहिलं जातं काही मंडळी असं म्हणतात की तुम्ही देवेंद्र फडणवीस यांचे हनुमानात हीच गोष्ट संजय राऊतांच्या बाबतीत लागू होते ते मातोश्रीचे हनुमान आहेत ते सिल्वर ओकचे हनुमान आहेत या तुमच्या दोघांच्या भांडणामध्ये गोष्टी या टप्प्यापर्यंत पोहोचलेल्या आहेत की एकमेकाचे वाभारे काढले जातात खरं तर देवेंद्र फडणवीस ही एक सभ्य राजकारणी म्हणून ओळखले जातात आणि उद्धव ठाकरे तुम्हाला आवडोत किंवा न आवडो ते एक सभ्य सुसंस्कृत नेते आहेत मग असं असताना संजय राऊतांना ते का ताब्यात ठेवू शकत नाही तुम्हाला काय वाटतं देवेंद्र फडणवीस साहब भारतीय जनता पार्टी के श्रेष्ठ भी हैं और ज्येष्ठ नेता भी हैं महाराष्ट्र के उनका एक अपना कद है जो उन्होंने अपने कर्मों से बनाया है पूरा चाहे मुख्यमंत्री थे विरोधी पक्ष नेता थे उप मुख्यमंत्री हैं अध्यक्ष थे नगर सेवक थे मेयर थे उनकी तुलना में उद्धव ठाकरे बहुत छोटा आदमी है तो आप कंपेयर मती करो उद्धव ठाकरे को और देवेंद्र फडनवीस साहब को देवेंद्र फडनवीस साहब कर्मों से बने हैं उद्धव ठाकरे भाग्य से आए भाग्य और कर्मशील आदमी कर्मठ आदमी में बहुत अंतर होता है धोखा दे मुख्यमंत्री बनना और खुद की ताकत से बनना दोनों में बहुत अंतर है जो आदमी खुद की पार्टी नहीं संभाल पाया खुद के पिताजी की आइडियोलॉजी नहीं संभाल पाया तो कौन सा सभ्य और मानुष है उनके भाषण तो सुनिए टीका टिप्पणी देना और हमेशा ऐसे व्याख्यान करना कंगना का घर तोड़ना हो हनुमान चालीसा में राणा दंपति को अंदर डलवाना हो मेरे पे झूठे केस करना हो ये क्या सभ्य आदमी का काम है क्या वो महाराष्ट्र के उस समय मुख्यमंत्री थे मुख्यमंत्री होते हुए ढाई साल में पालघर से लेकर जो जो घटनाएं हुई क्या किसी बात के ऊपर उनके पास शब्द हैं बोलने के लिए नहीं है तो ये कंपैरिजन ही गलत है वो अब मुझे नहीं पता अपने निजी जीवन में कैसे आदमी हैं बट एज अ पॉलिटिशियन फेलियर आदमी है नहीं पर माला एक मोहित भाई ये आप दोनों की जो लड़ाई है इस पर राजनेता पर दबाव आता है जो लोकल पुलिस आला अधिकारी है उनके ऊपर दबाव आता है मीडिया के ऊपर दबाव आता है अभी देखिए आपकी आपका संवाददाता सम्मेलन खत्म हुआ है लेकिन आपने जिस नेता के बेटे का नाम लिया है उसके बारे में किसी चैनल पर धड़ल्ले से अभी खबर नहीं चल रही है ये मेरी जानकारी है क्या आपको लगता है कि आपके ये सब दबाव तंत्र के कारण पुलिस मीडिया और नेता सारे लोग परेशान प्रशा, है देखिये मेरा सिंपल बोलना है कि जिस तरह से दादागिरी चलती है बड़े आदमी क्या होता बिल पे करके जाओ कानून का पालन करो तो कानून का पालन सबको करना पड़ेगा कानून सबके लिए सामान्य है किसी के लिए कानून के अंदर एक्स्ट्रा एज और एक्स्ट्रा बेनिफिट नहीं होता कॉन्स्टिट्यूशन बाबा भीमराव अम्बेडकर जी ने लिखा है वो सबके लिए सामान्य है आमदार, खासदार नामदार मुख्यमंत्री ये तो एक दायित्व पद होता है जो आता है और जाता है तो जिस तरह के तुम उसका बेनिफिट आप जो हरकतें करते हो अगर वो आपको आईना दिखाया गया तो मीडिया को वो चीज सच्चाई को अगर वीडियो सच्चाई सच्चे वीडियो को और सच्ची चीजों को दिखाना होगा तो दिखाएगी पुलिस को सच्ची चीज की कार्रवाई करनी होगी तो करेगी हमने तो दबाव डाला नहीं लास्ट सरकार ने पुलिस पे दबाव डाला ऐसे ऐसे सीपी उठा के लेके आए जो खुद आरोपी बन के सीबीआई में अरेस्ट हुए ईडी में अरेस्ट हुए गलत काम करने के लिए सुपारी देके अब संजय पांडे को सीपी बनाया गया था क्यों पुलिस से दबाव डालने के लिए पिछले एक साल से शिंदे साहब की फडनवीस साहब की सरकार चल रही है आप मुझे बताइए कौन सा मुंबई पुलिस ने दबाव डाल के उद्धव ठाकरे के आमदारों पे या उनके पार्टी के लीडरों के ऊपर दबाव डाला कितनी धमकी देते हैं वो नितिन देशमुख मुझे मानने की धमकी देता है कौन सा दबाव डाला कौन सा केस किया तो दुरुपयोग करने का काम शासन प्रशासन का ये उद्धव ठाकरे ने किया कि एक दिन के लिए माननीय नारायण जेल के लिए अरेस्ट कराने का काम किया कैसे झूठे केस प्रवीण दरेकर और प्रसाद लाड से लेकर अन्य अन्य ने नेता गिरीश महाजन को फंसाने की कॉन्ट्रोवर्सी की उन्होंने ये काम इन लोग का है अभी तक आप देख सकते हो जुलाई से लेकर मई आ गया कोई भी ऐसा प्रशासन और शासन का दुरुपयोग कर कर मुझे ऐसी एक भी घटना मेरे दिमाग में नहीं है नहीं नहीं लेकिन जी उनका तो बहुत गंभीर आरोप है कि आप देवेंद्र जी का नाम कर, का नाम नाम लेकर लेकर गृह मंत्री पुलिस वालों को डराते हैं धमकाते हैं और ब्लैकमेल भी करते हैं हाँ तो एफ आई आर करे ना पुलिस वाले जिसको मैं धमका मैंने कब रोका है जांच करो अगर मैंने कुछ भी ऐसा किया है तो पुलिस वाले स्वतंत्र रहे ना विशल ब्लोअर हो सकते हैं ना पुलिस वाले देखिए कोई भी शासन और प्रशासन देखिए आरोप लगाना कुछ भी आरोप लगा लो आरोप लगाने की कौन सी बात है मैं एफ आई एफआईआर करनी चाहिए अगर हमारी गलती तो पुलिस एफआईआर करे जांच करे हम थोड़ी ना भागते हैं ना रोते हैं टीवी पे आके करे ना जाँच पहले भी बोलता था जांच करे तो जांच अगर गलती की होगी तो गुनाह करेंगे ना हमने जिंदगी में कभी भी मैं पहले भी बोलता आया है हूं, ना कभी भी भारतीय जनता पार्टी के बैकग्राउंड के ऊपर लोगों के ऊपर या किसी बड़े नेता का नाम लेकर मैंने कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस की या, या लड़ाई लड़ी मैं आप में देखते हैं, मतलब मेरे घर से प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूं उसमें ये सब दुखी रहते हैं मैं कभी पार्टी के ऑफिस में आज तक बैठकर मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं की लेकिन मोहित भाई ये बताओ कि ये आप लोगों के जंग के कारण कभी शाहरुख खान जो आज के दिन में बॉलीवुड के बादशाह है उसका बेटा रगड़ा जाता है आर्यन खान बाद में पता चलता है कि वो इनोसेंट था अभी आपने शिवसेना पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे के बेटे को आपके विवाद में खींचा अभी उनकी राजनीति की एंट्री वेटिंग में है कभी भी चुनाव लग सकते है वो राजनीति में आ सकते आगे चल के ये भी हो सकता है कि वो भी इनोसेंट है तब आपके ऊपर ते, आज आपने जिनकी फिल्म जिनकी आप जो क्लिप दिखाई वो अगर इनोसेंट है ये आगे चल के साबित हो जाता है तो आपके ऊपर तो तो बताए थे क्या गलत साबित हुए क्या पत्रा वाला संजय राउत का बताया क्या? गलत साबित हुआ क्या वन आई पांडे गलत साबित हुआ क्या हजारों ने जो मैंने बोला आज तक ठोक नहीं पाए दावा मेरे ऊपर एक लीगल नोटिस भी नहीं भेज पाए देखिए नशा करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करना संजय राउत तो नवाब मलिक का धंधा है मैं जो बोलता हूँ ढाई साल, साल में ये पूरी महाविकास अगाड़ी सरकार हो पुलिस का दबाव से लेकर कितने प्रशासन प्रशासन करके आपको भी बात मालूम है संतावन नोटिस मेरे ऊपर भेजी थी कितनी फिफ्टी सेवन नो, नोटिस एक भी साबित नहीं कर पाए लेकिन मैंने जो दावा ठोका सलीम जावेद जाएंगे तो सलीम जावेद गए एक आईपीएस जाएगा तो वो आईपीएस गया तो मेरा हंड्रेड परसेंट स्ट्राइक फालतू में बात नहीं करता हूं तो आज जो मैंने दावा किया उसका बिल चेक कर लीजिए ओरिजिनल बिल दिया है उसके नाम का वेबसाइट पे जाइए जीएसटी नंबर डालिए बिल में क्या नाम लिखा है कोविड के नॉर्म्स में दो सितंबर 2021 को महाराष्ट्र सरकार को रिक्वेस्ट की गई कि 10 बजे के टाइम बढ़ाया जाए वो वीडियो कितने बजे का है वो वो भी लिखा है वो बिल कितने बजे जनरेट हुआ वो भी लिखा है चेक कर लीजिए गलत बोल रहा हूं क्या मैं और मुंबई पुलिस के ट्रैफिक से वीडियो निकाल लीजिए हिम्मत है तो नोटिस भेज के दिखाओ मेरा

नवाब मलिक की तरह नौ बजे प्रेस लेके रोज कभी भी मैंने चरस पी के किसी पे आरोप नहीं लगाया नवाब मलिक ने ड्रग की बात की तो मैंने अपने पूरे परिवार का ड्रग टेस्ट करके रिपोर्ट जाहिर की और क्या बोला तेरे में हिम्मत है तो तेरे परिवार का ड्रग टेस्ट करा क्या? आया क्या कभी कभी उस बात की जवाब दे पाया क्या नवाब मलिक तो मेरा क्या बोलना है कि आप कुछ भी बात करो सुबह उठ के मीडिया में बने रहने के लिए बिना तथ्यों और बिना मसाले के बात करोगे तो आप मुँह की खाओगे तो ये कोई कॉन्फिडेंस और ओवर कॉन्फिडेंस की बात नहीं है ये बात आपकी सब्जेक्ट के ऊपर कितनी पकड़ है और आप जो बोलते हैं उसमें आपके पास क्या मसाला और क्या डेटा आपके पास है क्या बोलते हैं मैं तो उठ के ऐसे किसी नेताओं के नाम पे रोज आरोप नहीं लगा आपने कभी देखा क्या कि मैंने कभी भी संजय राउत के ऊपर कोई भी आरोप लगाओ बिना पेपर के लगाया हो या नवाब मलिक पे पर उसके परिवार पे लगाओ तो बिना पेपर के लगाया हो तो क्या पेपर है क्या फैक्ट्स हैं क्या फिगर्स हैं वो जांच करके ही मैं बोलता हूँ मैं कभी भी आज तक आप मुझे बता दीजिए राजेश मेरा कोई भी स्टेटमेंट देने के बाद मैंने माफी मांगी हो रिट्रैक्ट किया हो या मैं झूठा साबित हुआ हूं क्योंकि मैं बोलता ही उतना हूं जितना मेरे पास रिकॉर्ड रहता है अनिल देशमुख होम मिनिस्टर थे मैंने उनके पिक्चर्स बताए शायदरी गेस्ट हाउस में ड्रग माफिया के साथ कैसे उनके फोटोज थे आर्यन खान केस के अंदर किस तरह से पूरा इन्वॉल्वमेंट था वो चेन का मैंने फोटोस के साथ डेटा के साथ पूरा वीडियो के साथ सब कुछ बताया तो मैं एक सब्जेक्ट के ऊपर पहले जांच करके स्टडी करके तभी बात करता हूँ सिर्फ मीडिया पे आकर बिना स्टडी किए बिना इन्फॉर्मेशन के मैं बात कभी नहीं करता भाजपा मोहित कंबोज शिवसेने से पक्ष प्रमुख उद्धव ठाकरे कनिष्ठ पुत्र तेजस ठाकरे राऊत कंबोज यांच्या झमेल्यामध्ये खेचलेला आहे आणि आत्ता ज्या पद्धतीत मोहित कंबोज यांची पोलीस राजकीय व्यावसायिक प्रशासनामध्ये असलेली आणि या संपूर्ण वर्तुळात असलेली पकड पाहता येणाऱ्या काळात ठाकरे परिवाराला मोहित कंबोज यांच्या एकापाठोपाठ एक हल्ल्याची कदाचित वेगळी कसरत करावी लागेल किंवा संजय राऊतांना सकाळचं बोलणं थोडं थांबवावं लागेल येणारा काळ यातलं नेमकं काय घडतंय हे आपल्याला सांगणार आहे कॅमेरामन असीम भुरेस मी राजेश कोचरेकर टाईम महाराष्ट्र मुंबई